हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजलि त्यागी और आप मेरे साथ में पढ़ते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और फ्रेश माइंड मूड के साथ में मेरे साथ पढ़ने के लिए बैठे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यू टॉपिक, और आज का न्यू टॉपिक है हमारा एड्रेसिंग मोड, है ना। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर जो आपका ये हार्डवेयर होता है, जो आपका हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम का, तो उसके अंदर आपका क्या होता है? उसके अंदर आपका एड्रेसिंग मोड होता है। अब हम बात करेंगे कि एड्रेसिंग मोड होता क्या है ना। एड्रेसिंग मोड, बच्चों एड्रेसिंग मोड शब्द से तात्पर्य है उस तरीके से है जिसमें किसी इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन स्पेसिफाई होता है। जो आपका वर्ड डाट चल रहा है, वर्ड एड्रेसिंग मोड जो आपका शब्द है एड्रेसिंग मोड, उससे तात्पर्य यह है कि जिसमें किसी इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन स्पेसिफाई होता है ना। जिसमें किसी इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन स्पेसिफाई होता है, या आप कह सकते हैं कि वर्ड एड्रेसिंग मोड से तात्पर्य उस तरीके से है ना। क्या लिख सकते हैं आप? तात्पर्य उस तरीके से है यह है कि जगह आप क्या लिख सकते हैं कि उस तरीके से है कि जिसमें इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन स्पेसिफाई होता है ना। जिसमें इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन स्पेसिफाई होता है, अब दिखाई पड़ रहा होगा ना, क्लियर? वो टेक्निकल इश्यू थोड़े बहुत कभी कभी चलते रहते हैं। एड्रेसिंग मोड वास्तव में एग्जीक्यूट होने से पहले निर्देश के एड्रेस फील्ड की व्याख्या करने या संशोधित करने के लिए एक नियम स्पेसिफाई करता है। क्या करता है? वास्तव में एग्जीक्यूट होने से पहले वास्तव में एग्जीक्यूट होने से पहले निर्देश के होने से पहले निर्देश के आपका एग्जीक्यूट होने से पहले निर्देश के एड्रेस फील्ड की व्याख्या करने या संशोधित
व्याख्या करने या संशोधित करने के लिए एक नियम स्पेसिफाई करता है। एएम जो लिखा है मैंने बच्चों को क्या है आपका एड्रेसिंग मोड। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी ऑपरेंड का चयन जिस प्रकार किया जाता है वह निर्देश के एड्रेसिंग मोड्स पर निर्भर करता है। वह एड्रेस निर्देश के एड्रेसिंग मोड पर निर्भर करता है। जिस प्रकार किया जाता है सॉरी इंस्ट्रक्शन के एड्रेसिंग मोड पर निर्भर करता है। क्लियर? तो आपको ये चीज समझ में आई कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है? एड्रेसिंग मोड होता है आपका कि इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन को स्पेसिफाई करना है ना। फिर एड्रेसिंग मोड वास्तव में एग्जीक्यूट होने से पहले निर्देश के एड्रेस फील्ड की व्याख्या करने या संशोधित करने के लिए एक नियम स्पेसिफाई करता है। एड्रेसिंग मोड क्या करता है? एक रूल रेगुलेशन स्पेसिफाई करता है। एड्रेसिंग मोड का उपयोग करने का उद्देश्य है एड्रेसिंग मोड का जो उपयोग करने का उद्देश्य है वो इस प्रकार है उद्देश्य है बच्चों इसका देखो इसका उद्देश्य है कि यूजर को प्रोग्रामिंग बहुमुखी प्रतिभा देने के लिए यूजर को प्रोग्रामिंग बहुमुखी प्रतिभा देने के लिए देने के लिए और क्या इसका उद्देश्य है? लक्ष्य है, एम है, शिक्षा के क्षेत्र को संबोधित शिक्षा के क्षेत्र को संबोधित करने में बिट्स की संख्या को
करने में बिट्स की संख्या को कम करने के लिए। ठीक, कम करने के लिए बिट्स की जो संख्या है उसको कम करने के लिए। अब बात आती है इंपॉर्टेंट चीज के अंदर आती है कि एड्रेसिंग मोड के प्रकार। एड्रेसिंग मोड हमने पढ़ा, लेकिन एड्रेसिंग मोड के प्रकार कौन कौन से हैं, किस तरीके से वो एड्रेसिंग मोड जगह जगह अलग अलग जगह पे किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग टाइप होंगे तभी तो वो अलग अलग तरीके से जगह जगह इस्तेमाल होगा। अब हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड के प्रकार। या आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड तो ये बहुत टाइप के हैं हमारे पास। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे हम लिखेंगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है बच्चों आपका इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड या आप कह सकते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट आता है आपका रजिस्टर मोड। अभी इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड नेक्स्ट है बच्चों आपका इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। और कौन सा हो सकता है आपका, और हो सकता है प्यारे बच्चों आपका स्टैक एड्रेसिंग मोड। और क्या हो सकता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ हमने यहां पे मैंने लिखे हैं एड्रेसिंग मोड के प्रकार। और भी बहुत सारे एड्रेसिंग मोड के प्रकार हैं, लेकिन कुछ जो जरूरी है वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं और डिटेल में पढ़ेंगे हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। ठीक, डिटेल में हम किनको पढ़ेंगे, डिटेल में हम इन एड्रेसिंग मोड को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एड्रेसिंग मोड जो है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक, पहला है प्यारे बच्चों आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड।
इमीडिएट, गुड। ठीक, ये कैसा होता है? इस मोड में ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन में ही स्पेसिफाई किया जाता है। इस मोड में, ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन में ही स्पेसिफाई किया जाता है। इमीडिएट मोड में क्या किया जाता है? जो ऑपरेंड होता है उसको इंस्ट्रक्शन में ही स्पेसिफाई किया जाता है। एक तत्काल मोड निर्देश में एड्रेस फील्ड के बजाय क्या होता है यहां पे? यहां पे होता है आपका एक ऑपरेंड फील्ड, है। ठीक, जैसे कि इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है एड 7, है ना? क्या गिवन है एग्जांपल आपको? एड 7, 7 को एड करना है। जो कहते हैं कि एक्यूमुलेटर की सामग्री में 7 जोड़े, तो 7 क्या है? 7 यहां का ऑपरेंड है। 7 क्या है यहां का ऑपरेंड? ठीक, इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंड को स्पेसिफाई किया हुआ है। ये आपका इंस्ट्रक्शन है एड 7, इसी में आपका क्या किया हुआ है? इसी में आपका ऑपरेंड को स्पेसिफाई किया हुआ है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप प्यारे बच्चों आपका कौन सा है? सेकेंड टाइप है आपका रजिस्टर मोड। सेकेंड है आपका रजिस्टर मोड। ठीक, रजिस्टर मोड में क्या होता है कि इस मोड में ऑपरेंड को रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। इस मोड में ऑपरेंड को रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। जो आपका ऑपरेंड होता है वो ऑपरेंड आपका कहां पे स्टोर होता है? वो आपका एक रजिस्टर में स्टोर किया जाता है, और यह रजिस्टर सीपीयू में मौजूद होता है। यह रजिस्टर जिसमें ऑपरेंड को स्टोर किया जा रहा है, ये रजिस्टर कहां पे आपका होता है? ये रजिस्टर आपका सीपीयू में मौजूद होता है। सीपीयू क्या था बच्चों आपका? सीपीयू था आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके तीन टाइप हमने पढ़े थे, है ना? सीपीयू के तीन भाग होते हैं। निर्देश में उस रजिस्टर का एड्रेस वहां होता है जहां ऑपरेंड स्टोर होता है। रजिस्टर का एड्रेस कहां पे स्टोर होता है? जहां पे आपका ऑपरेंड स्टोर होता है, वहां पे आपके रजिस्टर का एड्रेस होता है। तो वो समझते हैं आप किस तरीके से कहां पे सेव होता है ना, कहां पे स्टोर होता है एड्रेस।
देखो इसमें क्या है, आपका ओपी कोड है, इंस्ट्रक्शन है, ये आपका इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट हैं, एक ओपी कोड है, एक रजिस्टर एड्रेस है। रजिस्टर एड्रेस, इसको आप आर से डिनोट कर सकते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका इंस्ट्रक्शन है। ठीक, अब मैंने आपको बोला था कि रजिस्टर का एड्रेस वहां होता है, रजिस्टर का एड्रेस वहां होता है जहां पे आपका ऑपरेंड स्टोर होता है, जहां पे आपका ऑपरेंड स्टोर होता है। सपोज करो ये आपका स्टोरेज है और आपका ऑपरेंड कहां पे सेव है, सपोज करो आपका ऑपरेंड यहां पे सेव है। आपका ऑपरेंड यहां पे सेव है तो रजिस्टर कहां पे होगा, रजिस्टर का एड्रेस कहां पे होगा, जहां पे ऑपरेंड सेव है ना, स्टोर है। तो ये क्या हुआ, रजिस्टर इन सीपीयू। रजिस्टर इन सीपीयू, सीपीयू में कहां पे, जहां पे ऑपरेंड स्टोर है आपका। ठीक, ये है आपका रजिस्टर मोड। अब इसके लाभ क्या है कि ये छोटे निर्देश और तेजी से निर्देश लाने के लिए अच्छा मोड है, अच्छा इस्तेमाल किया जाता है और ऑपरेंड को तेज मेमोरी एक्सेस करता है, ऑपरेंड के लिए क्या करता है, तेज मेमोरी एक्सेस करता है। अब हम बात करते हैं थर्ड रजिस्टर मोड की, वो कौन सा है आपका, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यदि किसी का छूट जाता है तो वो बाद में सुन लेना उसको, है ना, बाद में देख लेना। देखो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इस मोड में ऑपरेंड का प्रभावी एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ही मौजूद होता है। ऑपरेंड का प्रभावी एड्रेस ऑपरेंड का जो होता है आपका प्रभावी एड्रेस वो इंस्ट्रक्शन में ही मौजूद है। इंस्ट्रक्शन में ही मौजूद है, जो आपका ऑपरेंड का प्रभावी एड्रेस है, जो आपके ऑपरेंड का एड्रेस है वो कहां पे होता है, वो आपका इंस्ट्रक्शन में ही मौजूद होता है। डेटा तक पहुंचने के लिए सिंगल मेमोरी संदर्भ होता है इसमें, क्या, डेटा तक पहुंचने के लिए क्या होता है बच्चों, मेमोरी, सिंगल मेमोरी संदर्भ होता है। ऑपरेंड के प्रभावी एड्रेस को खोजने के लिए कोई अतिरिक्त गणना नहीं की जाती है, इसके अंदर कोई अतिरिक्त गणना करने की जरूरत नहीं है। आपका यहाँ पे क्या है, ओपी कोड है, ये आपका इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका ओपी कोड है और आपका एड्रेस है, ठीक, जिसको आर से डिनोट किया गया है। इसका ऑपरेंड कहां पे, एड्रेस कहां पे होगा, जहां पे आपका मेमोरी में ऑपरेंड सेव होगा।
ये क्या है बच्चों? आपकी मेमोरी। क्लियर हुआ? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपका क्या होता है कि इसमें निर्देश का एड्रेस फील्ड वह एड्रेस देता है, इसमें इसमें किसमें? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में निर्देश का एड्रेस फील्ड एड्रेस फील्ड वह एड्रेस देता है जहां मेमोरी के प्रभावी एड्रेस जहां मेमोरी के प्रभावी एड्रेस स्टोर होते हैं, संग्रहित होते हैं। ठीक, अब वो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा होता है ये, है ना, एग्जीक्यूशन को धीमा कर देता है। इनडायरेक्ट क्या करता है? एग्जीक्यूशन को धीमा कर देता है। अब बात करते हैं जो मैंने पहले लाइन लिखी कि एड्रेस फील्ड वह एड्रेस देता है जहां मेमोरी के प्रभावी एड्रेस संग्रहित होते हैं। तो किस तरीके से होता है? आपका एक इंस्ट्रक्शन गिवन होता है, जैसे आपका एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गिवन है, और इंस्ट्रक्शन में आपके दो पार्ट होते हैं, मैं हर बार बता रही हूं। इंस्ट्रक्शन इसमें है आपका ओपी कोड, और यहाँ पे आपका क्या आता है बच्चों? यहाँ आता है आपका एड्रेस ए से डिनोट कर लो, एड्रेस ए, जो आपका एड्रेस है वो ए एड्रेस है। ठीक, ये कहाँ पे आपका सेव होगा? ये कहाँ जाके होएगा? पॉइंटर टू ऑपरेंड, है ना। पॉइंटर टू ऑपरेंड मेमोरी में जाके, और सपोज करो आपका ऑपरेंड यहां पे है, तो ये क्या करेगा? इस तरीके से ओपी कोड एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, ये कहां पे हुआ आपका? पॉइंटर टू ऑपरेंड को पॉइंट करेगा, और ऑपरेंड जहां पे आपका होगा वहां पे ये उसका एड्रेस, मेमोरी के प्रभावी एड्रेस जहां पे स्टोर होते हैं वहां पे ये मिलेगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। जो आपका लास्ट एड्रेसिंग मोड है वो है आपका रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या है प्यारे बच्चों? इस मोड में ऑपरेंड को इस मोड में ऑपरेंड को कहां पे स्टोर किया जाता है? रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। रजिस्टर में स्टोर किया जाता है, और यह रजिस्टर सीपीयू में मौजूद होता है।
और यह आपका रजिस्टर सीपीयू में मौजूद होता है। निर्देश में उस रजिस्टर का एड्रेस वहां होता है जहां आपका ऑपरेंड स्टोर होता है ना। इसमें क्या होता है बच्चों, यह डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड का एक मोड का एक संस्करण या आप कह सकते हो वर्जन, जो आपका डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड है उसका क्या होता है, एक वर्जन होता है। इसमें पीसी की सामग्री को क्या, इसमें पीसी की सामग्री को, अब बात आएगी पहले पीसी, पीसी होता है आपका प्रोग्राम काउंटर। पीसी क्या होता है आपका प्रोग्राम काउंटर। सामग्री को प्रभावी एड्रेस को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रभावी एड्रेस को प्राप्त करने के लिए निर्देश के भाग को, निर्देश के भाग को संबोधित करने के लिए जोड़ा जाता है। किसको करने के लिए, संबोधित करने के लिए जोड़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे कुछ टाइप, किसके, ये हमारे कुछ टाइप थे आपके इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड के। एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या था, एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या बताया जाता है, किस लिए एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल होता है। एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन में ही स्पेसिफाई किया जाता है ना। तो ये थे हमारे एड्रेसिंग मोड के टाइप्स। कौन कौन से टाइप हमने पढ़े, हमने पढ़ा इमीडिएट मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, हमने पढ़ा रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर मोड और इंडेक्स्ड मोड, काफी सारे हमारे पास होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। तो थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय बाय।